हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रामदास सोलंकी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 20 बाय 60 फीट का एक हाउस प्लान है जो कि 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज है। ये एक कॉर्नर साइज प्लॉट है तो हमने इस पर एक प्लान बनाया जो कि 2 BHK का है। इसमें 2 रूम है और एक हॉल, किचन प्लस डाइनिंग और कॉमन टॉयलेट, एक अपनी सेपरेट टॉयलेट मास्टर बेडरूम के साथ में और एक पूजा घर है थोड़ा सा पैसे का हमने प्लान बनाया। चलिए देखते हैं इस प्लान के बारे में। यहाँ से आप एंट्रेंस होते हैं रोड से तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंग मिलेगी। पार्किंग का जो साइज है वो 12 फीट 9 इंच चौड़ाई है, लेंथ है 12 फीट 9 इंच लेंथ है और 10 फीट चौड़ाई है। यहाँ से आपकी स्टेयरकेस शुरू होती है, इस तरीके से ऊपर पहुँचती है। यहाँ से मेन एंट्रेंस है हॉल की, ड्राॅइंग रूम में, जो कि ये 19 फीट बाय 4 इंच का लेंथ में है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट है, जो कि एक साइज बहुत ही बढ़िया है ड्राइंग रूम के लिए। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ओपन स्पेस जो कि डाइनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ से इधर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा किचन प्लस डाइनिंग अगर आप कंबाइन करें तो ये 19 फीट 4 इंच लेंथ सेम हॉल की तरह और 11 फीट विड्थ है इसकी। प्लेटफॉर्म का एल साइज है क्योंकि बहुत बढ़िया लुक आता है इसका। नहीं, यहाँ से ओपन स्पेस रहेगा आपका ओपन वाले। यहाँ से आपको पैसेज मिलेगा जो कि 7 फीट 8 इंच इस तरीके से है चौड़ाई में, और इसकी जो लंबाई है वो आपको मिलेगी 10 फीट की। यहाँ से आप पूजा घर के अंदर एंटर होते हैं। पूजा घर जो है 5 फीट चौड़ाई है और 10 फीट लंबाई है पूजा घर की। देन इसी पेसेस से आप इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे टॉयलेट मिलेगी। टॉयलेट की जो विड्थ है वो 6 फीट है और इसकी जो लेंथ है वो आपको मिलेगी 10 फीट। तो इसके बाद में हमने 2 रूम्स निकाले हैं जो कि पेसेज में से ही एंटर होंगे, यहाँ से यहाँ से इनके एंट्रेंस है दोनों ही रूम की। तो पहले हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। यहाँ से आप इंटर होते हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 9 फीट 8 इंच और जो हमें लंबाई है वो 11 फीट मिलेगी, ये मास्टर बेडरूम। देन यहाँ से आप एंटर होते हैं सेपरेट टॉयलेट में। मास्टर बेडरूम की अटैच टॉयलेट है, इसमें आपको 4 फीट चौड़ाई मिलेगी, 7 फीट लंबाई मिलेगी। देन हम आते हैं अब बेडरूम के अंदर सिंगल। यहाँ से आप इंटर होते हैं, इसमें भी सेम वही 9 फीट 4 इंच आपको चौड़ाई है, 11 फीट लंबाई है। देन इस रूम से आपको एक गेट दिया गया है यहाँ से, ताकि आप ओपन एरिया में आ सके। विंडोज़ यहाँ पर लगी हुई है, इधर कोई रोड नहीं है इसलिए ओपन स्पेस छोड़ दिया ताकि वेंटिलेशन हो सके। ओपन स्पेस का जो साइज है वो 4 फीट चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई है वो 12 फीट है। देन आप वेंटिलेशन की बात करते हैं पूरे घर के अंदर। यहाँ से आपका एक मेन रोड है, इसलिए आप यहाँ से मेन रोड गया है और यहाँ से आपकी एंट्रेंस होती है तो पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में यहाँ पर एक विंडो दी गई है हमने, और यदि आपको और चाहिए विंडोज़ तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा ले या यहाँ लगा ले पार्किंग की ओर भी। इसमें सिर्फ एक ही विंडो दी गई है मेन रोड की ओर यहाँ पे। देन इसके बाद में किचन में एक विंडो यहाँ पर दी गई है, जो कॉमन टॉयलेट है उसका वेंटिलेशन इस ओर है। देन मास्टर बेडरूम की विंडो यहाँ पर दी गई है, जो सेपरेट टॉयलेट है उसका वेंटिलेशन यहाँ पर है। देन ओपन स्पेस की ओर जो हमारा सिंगल बेडरूम है उसका स्पेस यहाँ पर है, विंडो यहाँ पर है। एक बहुत ही बढ़िया प्लान है दोस्तों, यदि किसी को ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसी वीडियो आपको बनाकर देते रहें। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।